मैं ठीक हूँ। सॉरी जीना भाई, दया भाभी, मेरी वजह से आप लोग का सोफा और डाइनिंग टेबल भी टूट गया। अरे हाथी भाई, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। वैसे भी ये सोफे के साथ डाइनिंग टेबल भी कब से टूटो ये हो रहा था। अच्छा हाथी भाई, यही सोचते हैं ना कि डाइनिंग टेबल और सोफे के दिन पूरे हो गए थे और क्या। डाइनिंग टेबल और सोफे का करना क्या है? पीढ़ियों के दरवाजे की तरह आखिरी सांस तक चलने देना या इनको बाहर रखना है? बकित लो। नहीं नहीं, बार बार बार। सर्जी भाई, ये कुर्सी भी बाहर ले जाइए, ये भी कब से टूटू टूटू हो रही है। वाह वाह वाह, ये आपने अच्छा किया, चटाई वटी बिछा दिया। ये है असली भारतीय बैठक। अरे हमारे जमाने की याद आ गई। अरे हमारे जमाने में कहाँ था ये सोफा वगैरह सब, ऐसे ही तो बैठते थे सभी। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कौन से जमाने का है और इसकी उम्र क्या है। दया भाभी, आइसक्रीम पार्टी जल्दी शुरू करते हैं। सॉरी हाथी भाई, आइसक्रीम नहीं है। नहीं, ये सोफा और डाइनिंग टेबल तोड़ दिया, इसके चक्कर में आइसक्रीम पार्टी कैंसिल हो गई। चलो भाई चलो। नहीं नहीं पोपट भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, अब्दुल भाई अभी तक आइसक्रीम लेकर नहीं आए ना। हाँ। इसलिए। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम आ गई। जीता भाई, वो सोफा कैसे टूट गया? हाथापाई हुई थी क्या? हाथापाई नहीं, हाथी भाई। और डाइनिंग टेबल? वो भी हाथी भाई। छोड़ो ना, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अब्दुल, ये तो बताओ कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आए हो? ब्लैक करंट। कोमल भाई, सबको दो सर्व करो। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे क्या चाहता हूँ, बैठ बैठ भाई, आइसक्रीम का आइसक्रीम का, बैठ। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे साथ। ओके, जूता निकाल के। वाह 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 वाह, करंट लग गया। मस्त है। आइसक्रीम खाने के बाद पतिदेव के दिल, दिमाग और पेट ठंडे हो जाए ना, फिर रिनोवेशन की बात छेड़ते हैं। भाई वाह, अब्दुल मियां, आइसक्रीम जबरदस्त है। आइसक्रीम खाने में मजा आ रहा है। हाँ जबरदस्त। मेहता साहब क्या सोच रहे हैं, खाइए आइसक्रीम। जेठालाल, मुझे इस आइसक्रीम के पीछे कुछ नजर आ रहा है। के पीछे कुछ गिरा क्या उसमें? नहीं नहीं, इसमें नहीं। I mean to say, इस आइसक्रीम पार्टी के पीछे मुझे कुछ नजर आ रहा है। ओह, ओके मेहता साहब। भाई दया भाभी ने आइसक्रीम पार्टी आयोजित की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंजलि मुझे आइसक्रीम खाने दे रही है, रोक नहीं रही है, खाते हुए देख रही है। वो तो मुझे भी जरा ताज्जुब लगा था कि आप आइसक्रीम पार्टी में आए, ऊपर से आप आइसक्रीम खा रहे हैं, तो अंजलि भाभी कुछ बोल नहीं रहे, रोक नहीं रहे। नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गया क्या है। ये इन पत्नियों की सदियों पुरानी चाल है। पति से कोई भी चीज मनवानी होती है ना, तो क्या करती है, पति को कोई एक बढ़िया सी चीज खिलाओ, इतनी बढ़िया चीज खिलाओ तो मान जाए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। सही बात है, तो जरूर कोई चीज मनवानी होगी, इसलिए ये सब आइसक्रीम पार्टी हो रही है। और अंजलि भाभी, और कौन सी बात मनवानी है मेहता साहब से, बोलो बोलो, वो मान जाएंगे। वैसे जो भी बात हो, लेकिन मेहता साहब आपके चक्कर में हम सबको आइसक्रीम मिल गया। हाँ। वैसे भीड़े भाई, ये चक्कर सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है। हम सबका, और तारक लेखक का हम CID ज्यादा बन गए हैं, पकड़ लिया ना हमारा प्लान। दया, क्या है ये सब, क्या प्लान है? कोई कोई प्लान नहीं है। वैसे भी जेठा भाई, हमें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है,
जो भी कहना होगा हम आपके सामने कहेंगे ना। हाँ, आइसक्रीम पार्टी का प्लान तो ऐसे ही बनाया था ना। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऐसे ही नहीं, ये आइसक्रीम प्लान के पीछे जरूर कोई दूसरा प्लान है। बताओ बताओ क्या प्लान है भीड़े भाई। वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं है, पर अगर आप लोग इतना ही पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं कि हमारा क्या प्लान है। आप सबको पता है कि सबके घरों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ रिपेयरिंग से खत्म नहीं होगी, इसके लिए आप सबको पूरे घर का रेनोवेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, समझ आया कि आइसक्रीम पार्टी के पीछे राज क्या। भाई ये तो हमारे साथ बिल्कुल चीटिंग है। करेक्ट, चीटिंग ही है। हम तो यार सिर्फ आइसक्रीम पार्टी के लिए आए हैं। हाँ हाँ भैया, चलो चलो भाई, चलो मीटिंग कैंसिल भाई, चलो। हाँ चलो भाई, घर चलो। हाँ चलो घर, घर चलो भाई, घर चलो, चलो भाई, चलो भाई, चलो। चलो, ये तो तुम्हारा ही घर है ना। अरे हाँ, तो तुम निकलो। हाँ थैंक यू। एक मिनट, कोई नहीं यहाँ से जाएगा। आप लोग ये मीटिंग कैंसिल करके नहीं जा सकते। मीटिंग? ये मीटिंग हमने बुलाई है, तो इसे कैंसिल करने का हक भी सिर्फ हमें है। अरे कौन सी मीटिंग, हमें किसी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है भाई। हम तो आइसक्रीम पार्टी के लिए आए थे। अब हमें ब्रह्मास्त्र वापस नहीं पड़ेगा। कौन सा ब्रह्मास्त्र? बापूजी। बापूजी ने मुझे कहा था कि कोई तुम्हारी बात ना माने तो मुझे बताना, वो उनको समझा देंगे। बापूजी तो कुछ बातें नहीं करेंगे, वो तो सीधा कहेंगे क्या करना है। तो अब हमें क्या करना है जेठालाल? बैठना है, बैठो भाई, बैठो बैठो, कोई नहीं जाता। ये महिला मंडल लगता है आजकल सास बहू वाली सीरियल को ज्यादा ही देखते हैं। क्या चाल चलकर फंसाया है हमें? आहो, हमने कोई फंसाया वगैरह नहीं आप लोगों को। एक्चुअली आप पति, हम पत्नियों की बात को सीरियसली नहीं लेते ना, इसलिए हमें ये सब प्लान करना पड़ा। सॉरी डब्बू के पापा, वो बापूजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये तो मैंने आप सबको रोकने के लिए बापूजी का नाम बोल दिया। लो बोल। लो, ब्रह्मास्त्र को कुछ मालूम ही नहीं है मतलब? एक और चिटिंग हमारे साथ। चलो भाई घर चलो, घर चलो, चलो तुम्हारा ही घर है। अरे हाँ यार, तो तुम लोग निकलो ना भाई। बैठिए आप लोग, बैठिए। अरे क्यों? लेकिन देखो भाई, हम लोगों को हमारे सर पे ये ठप्पा नहीं लगवाना है कि हम लोग जालिम पति हैं और पतियों की बात सुनते नहीं है, इसलिए मीटिंग कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा आखिर बात क्या है, बात करके देखते हैं। मीटिंग कल को ये ना कि पति लोग जालिम है, बात नहीं जालिम नहीं है। अरे तुम क्यों बैठ गए पोपटलाल, तुम तो पति भी नहीं हो, तुम निकलो। जेठालाल, मुझे भी अपने ऊपर होने वाले जालिम पति का ठप्पा नहीं लगवाना। कहिए बहनों, क्या मीटिंग करनी है? एक एक करके बोलिए। बबीता जी आप बोलिए। देखिए, सबको पता है कि सबके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर भी हम आपको एक बार याद दिला देते हैं। अय्यर, हमारे घर में बाथरूम का प्रॉब्लम है जो हमें जल्द से जल्द रिपेयर करना पड़ेगा। हमारे घर में इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, और हमारे घर में कलर का और फॉल्स सीलिंग का प्रॉब्लम है। हाँ, और हमारे घर में दरवाजा और फ्लोरिंग का। अरे हमारे घर में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीमक की प्रॉब्लम है, और हमारे घर पर सोफा और डाइनिंग टेबल के अलावा बाथरूम की पाइपलाइन भी बदलनी है। तो कुल मिला के सभी के घर में रिनोवेशन करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज करवाइए। एक मिनट मिनट माधवी, रिनोवेशन नहीं, उसे रिपेयरिंग बोलते हैं, और वो हम लोग करवा रहे हैं ना। हाँ, ये सोफा और डाइनिंग टेबल आज हमारा टूट गया था, वो हम नया ले लेंगे, और बाकी जो रेनोवेशन का काम है वो मैंने बोला ना, दिवाली में करवाएंगे आराम से। बोला तो सही तुझे। अरे पर जो काम दिवाली में करना है वो काम अभी करवाने में क्या प्रॉब्लम है?
बराबर है बबीता जी की बात, जवाब दीजिए हाथी भाई। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं देता हूँ जवाब। प्रॉब्लम है हम लोगों को, क्योंकि इस वक्त हम सारे लोग बिजी हैं अपने अपने काम में, और इस वक्त रेनोवेशन होगा तो सारे लोगों को काम में तकलीफ होगी, इसलिए अभी नहीं करा सकते, दिवाली पे करवा लेंगे। करेक्ट। अच्छा, इस बात का जवाब मैं देती हूँ तारक। इन सारी प्रॉब्लम के बीच में हमें घर में रहने में कितने प्रॉब्लम होती है ये कभी आपने सोचा है? आप सब लोग तो सुबह काम पे चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये सब समस्याओं के साथ हमें रहना पड़ता है। और टूटे फूटे घर में मेहमान आएंगे तो कैसा लगेगा मेहमानों को? और रेनोवेशन तो हमने आज करवाना है, दिवाली के बाद नहीं। और दिवाली में त्योहार पर थोड़ी ना काम होता है। हाँ, घर का काम करवाने का यही सही वक्त है। अभी कोई रिनोवेशन की बात नहीं होगी और कोई रिनोवेशन करवाएगा भी नहीं। भाई मुझे तो यही लग रहा है अभी जो अर्जेंट काम है वो करा लेते हैं। मेरे घर में अभी मेजर प्रॉब्लम दीमक की है, जो फर्नीचर में लगा हुआ है उसे ठीक करा लेते हैं, रिनोवेशन बाद में कराएंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है मेहता साहब। अरे भाई भिड़े, तू मेहता साहब के घर के बारे में क्यों मान रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज बिगड़ गई है उसे रिपेयर करवाओ। सही बात है, अभी कहाँ पूरा घर रेनोवेट कराएंगे। हाँ जी, और वेकेशन में मस्त आराम से रेनोवेशन करा देंगे। हाँ मेरा भी यही मानना है, वेकेशन में आराम से घर रिपेयरिंग करवाएंगे। अभी करवाएंगे तो बहुत परेशानी होगी दया। अरे पर टप्पू के पापा, ऐसे घर में हमें परेशानी होती है। अभी थोड़ी बहुत परेशानी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना दया। करेक्ट जगह भाई, मैं भी वही कह रही हूँ, आप लोग भी थोड़ी परेशानी सहन कर लीजिए और घर रिनोवेट करवा दीजिए। अरे परेशानी थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। मैं बैठ के लिखूंगा कहाँ? गार्डन में भगवान के चरणों में बैठ के लिखिएगा। कोमल, मैं पेशेंट का इलाज कहाँ करूँगा? क्लब हाउस में या सोसाइटी ऑफिस में। और माधवी, सबसे मेन बात, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा कहाँ? क्लब हाउस में या किसी स्टूडेंट के घर। मुझे मैं गड्डिया कैसे रिपेयर करूंगा? अरे मरा घेला, गड्डी तो गैराज में ही रिपेयर करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए पूरे घर का रिनोवेशन करवाना है। हाँ, हम रिनोवेशन करने वाले को कहेंगे कि पहले हॉल रिपेयर करो, फिर बेडरूम, फिर किचन। करेक्ट, ऐसे बारी बारी पूरे घर का रिनोवेशन होगा तो किसी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जरा भी तकलीफ नहीं थी। हर बात का जवाब तैयार रखा है इन लोगों ने, पूरा होमवर्क करके आई है लेडियां। भाई मुझे तो सिर्फ अपना बाथरूम रिपेयर करवाना है, पूरा घर नहीं। मुझे तो खामखा मीटिंग में बुला लिया। देखा, शादी नहीं हुई तो कितनी शांति है तुम्हें पोपटलाल। दया ऐसे ऐसे करके मत देख भाई, अभी रेनोवेशन ना करे तो अच्छा है, प्लीज। हाँ कोमल प्लीज, अभी रिपेयरिंग तक ठीक है, रिनोवेशन की जिद मत करो। देखिए जिद तो आप सब पति कर रहे हैं। अरे हाँ, पूरा घर रेनोवेशन करवाना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो धमकी है कोमल। तो ऐसे समझो, धमकी है तो घर रेनोवेट कराएंगे नहीं, क्यों यार? मुझे वही बताना है, ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ, मैं आत्मा राम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक नया सेक्रेटरी जाहिर करता हूँ। बात अधूरी नहीं है दया, बात तो पूरी हो गई ना। कह दिए ना भाई, हम में से अभी कोई रेनोवेशन कराने के लिए राजी नहीं है। और अभी इसके ऊपर हमें कोई बहस भी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। तो फिर हम सब लेडीज अपने अपने मायके चली जाएंगी। जब भी आपको रेनोवेशन कराने की मर्जी हो आप करा देना, और जब रेनोवेशन हो जाए ना ठीक है। तो कब की टिकट कराऊं तेरी? सुबह की टिकट करा दीजिए। हाँ तारक, आप भी मेरी टिकट कल सुबह की बुक करवा दीजिए, बस। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम सब मायके चले जाएंगे। बराबर छे। दया भाभी, कल सुबह आप जो ये मायके जा रहे हो, ये बात तो आपको चंपक चाचा को बतानी पड़ेगी ना। बाबूजी को
फोन करती हूँ। टप्पू के पापा जरा मोबाइल फोन देंगे आपका? नहीं नहीं जरा बापूता जी, बबीता जी नहीं, बापूजी नहीं। क्या आप? जया नहीं, बापूजी नहीं। जेठालाल चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग मायके नहीं जाने वाली है। लेकिन हम लोगों को कोई इनसे बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, हमें शांति से बात करनी है। हम शांति से बात करके सुलझा लेते हैं ना। देखिए आप लोग शांति से समझिए, हम कोई जीत नहीं कर रहे हैं, हमारे टूटे फूटे घर की मांग है कि हमें रिनोवेट करो। वो कहते हैं ना, जहाँ घर टूटा फूटा ना हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और खुशियाँ भी आती है। दया भाभी ये बात हम लोग मानते हैं, इसलिए जो भी टूटा फूटा है हम लोग रिपेयर करने के लिए राजी है ना। हम लोग सब परत तेज, हर थोड़े समय बाद कुछ तो कुछ टूटा फूटा रहेगा तो हर थोड़े समय बाद थोड़ी रिपेयरिंग करते रहेंगे। और ऐसे रिनोवेट करने जाएंगे तो घर रिनोवेशन में एक दो साल निकल जाएंगे। और ऐसे तो खर्चा भी ज्यादा होगा। और एक साथ घर को रिनोवेट करेंगे तो हम लोग अपने घर को परफेक्टली डिजाइन भी कर सकते, नहीं तो उसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। वैसे बबीता जी और बाकी सब लेडीज की बात में मुझे जरा दम लग रहा है, क्या टुकड़ा टुकड़ा में कराएंगे तो खर्चा भी ज्यादा लगेगा और परेशानी भी ज्यादा होगी। लो हो गई अपनी एक विकेट डाउन, मार दीजिए जेठालाल ने पलटी। ओ पोपटलाल, लाख रुपए की सलाह फ्री में दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जीवन में कभी भी जड़ की तरह कोई एक बात पकड़ के नहीं रखनी चाहिए। अगर दूसरों की बात सच लगे तो अपना विचार बदल के तुरंत हाँ कह देनी चाहिए। क्यों मानता सर? भाई मुझे भी एहसास हो रहा है कि हम सबके घरों के ये खस्ता हाल देख के इसे थोड़े थोड़े दिन में रिनोवेशन करा, इससे बेहतर तो एक बार में सब करवा लेना चाहिए। नहीं लेकिन पूरा घर रिनोवेट करना मतलब बड़ा खर्चा और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आहो आपने जो वेकेशन में आउट ऑफ इंडिया घूमने जाने के लिए पैसे बचाए ना, वो रिनोवेशन में डाल देते हैं ना। लेकिन माधवी तुम्हें और सोनू को आउट ऑफ इंडिया घुमाने ले जाना मेरा सपना है। तो ये आपका सपना हम लोग दो चार साल बाद भी पूरा कर सकते हैं। अभी मेरा ये सपना है कि हम लोग घर अच्छा बनाते हैं। प्लीज हम सबका फोन जाओ थे। ठीक है तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। अरे उधर कितने बोलना भाई, सॉरी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। ये हुई ना फैमिली मैन वाली बात। को अपने घर रिनोवेट कराने हैं, अपने अपने हाथ ऊपर करें। मतलब पहला टारगेट शादी है, घर रिनोवेशन नहीं। लेकिन बाथरूम तो रिपेयर करवाओगे ना? अरे यार भाई बाथरूम करवाऊंगा लेकिन अभी मुझे पूरा घर रिनोवेट नहीं करवाना। चलिए भाई हम सभी गोकुल धाम वासियों को बहुत बहुत बधाई हो कि अब हम सबके घर रिनोवेट होंगे। वाह जी वाह, रब जी की कृपा से सब चंगा ही चंगा हो गया भाई। चंगा नहीं पंगा हो जाएगा। ये रिनोवेशन का काम इतना आसान नहीं है, शादी के लिए लड़की ढूंढने जितना मुश्किल काम है। आप लोगों को रिनोवेशन के लिए कोई अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढना पड़ेगा। भाई गोकुल धाम में बारात सज धज चुकी है लेकिन दूल्हे का इंतजार है। नहीं समझे भाई, ये तय हो चुका है कि रिनोवेशन होगा लेकिन रिनोवेशन कौन करेगा ये अभी तय नहीं हुआ। और आप सभी तो जानते हैं कि भाई रिनोवेशन कराना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ी मुसीबतें आती है, इसलिए रिनोवेशन कौन करेगा ये तय होना बड़ा ही आवश्यक है। रिनोवेशन मतलब नवीनीकरण, नया रूप देना, नया रंग देना। और अपने घर को नया रंग देना, नया रूप देना हर आदमी का सपना होता है। तो कौन होगा वो सपनों का सौदागर, कौन करेगा गोकुल धाम के घरों का रिनोवेशन? और इस व्यक्ति को ढूंढने में कितनी मुसीबतें आएंगी। गोकुल धाम के घरों को रिनोवेट करना किसके नसीब में लिखा है भाई? जिसके भी नसीब में लिखा हो लेकिन आपके नसीब में हास्य और ठास। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता कौन सा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.